आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम जानें When to buy आलोक। जी हाँ, आज हम आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं हमारे दर्शकों के कि हम आलोक इंडस्ट्री को क्या बाय कर सकते हैं, अगर बाय कर सकते हैं तो किस प्राइस पर बाय करें। ये सब हम डिटेल में बातें करेंगे आगे चैनल पर, आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आइए चले देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, इसकी NCLT के बारे में, और रिलायंस ने जिसकी हिस्सेदारी ली है और इसका नाम चेंज करने की कोशिश की है रिलायंस टेक्सटाइल, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपके साथ में। जी हाँ, आपको पता ही होगा रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो आलोक इंडस्ट्रीज को रिलायंस टेक्सटाइल में बदल दिया जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप कितने प्राइस पर इसको खरीदना पसंद करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आलोक इंडस्ट्री खराब शेयर है, आलोक इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके PPE किट के ऑर्डर है, जिसके पास रियलिटी बिजनेस है, जिसके पास स्पेशलिटी है कॉटन टेक्सटाइल बनाने के लिए, पॉलिएस्टर टेक्सटाइल बनाने के लिए, तो कंपनी बहुत अच्छी है। पर प्रश्न ये बनता है अगर आपने अच्छी कंपनी ढूंढ ली है तो आपको कितने रुपए पे उसको खरीदना है, ये एक सवाल है। इसका हम दोनों तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल तरीके से भी और टेक्निकल तरीके से भी। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपका प्यार हमें लाइक के रूप में मिलता रहे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए चले जाने आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। अब नमस्कार साथियों, आइए चलकर जाने हम आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और हमारी क्या सलाह रहेगी इसके बारे में। इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर है तो किस प्राइस पर इसको खरीदना अच्छा रहेगा। अभी आपने शायद बहुत न्यूज बेस्ड इन्फॉर्मेशन देखी होंगी और रिलायंस का AGM भी अभी है, तो उसके चलते हुए इस शेयर में काफी खलबली मच सकती है। आप थोड़ा सावधान रहिए, हम आपको सतर्क कर रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल एंड फॉलो योर मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। किसी के भगाए में मत आइएगा, आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और उसके बाद काम कीजिएगा। आइए चलकर हम आलोक के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम सत्य की बात करते हैं। और जी हां, आज मैं आपको ऑपरेटर गेम की असलियत बताऊंगा विद प्रूफ। आलोक इंडस्ट्री से जितना दूर रह सकते हैं आप लोग रहिए, मेरी आपको चेतावनी है। इस पर बिजली गिर रही है, आप सावधानी बरतें। आइए चले कैसे पता करेंगे। नमस्कार सब दर्शकों को, हमारा आज का प्रश्न, क्या आलोक इंडस्ट्री में फिर से लोअर सर्किट लगेगा? ये तो सिर्फ समय ही बताएगा हमारी उपेक्षा कि कल ये फिर से लोअर सर्किट में रहेगा और इसका प्राइस 39.35 पर बंद होगा। आइए अब मैं आपको ऑपरेटर गेम का प्रूफ बताता हूं। मैंने अपना एक वीडियो रात को 11 बजे YouTube पर डाला था। मैं कोई टेलीग्राम चैनल पर नहीं हूं और ना ही मेरा कोई साथी टेलीग्राम चैनल पर है, और आप देखिए मेरा 36.8% वॉल्यूम जो है वो टेलीग्राम चैनल से आया है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेटर्स लोग हैं, इन्होंने देखा कि आलोक इंडस्ट्री के ऑपरेटर गेम के बारे में हमने वीडियो डाला हुआ है जो कि ऊपर लिस्ट में आ रहा है YouTube की। उन्होंने क्या किया, उनके पास सिंपल टेक्निक है, वो अपने सारे ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैसेज करते हैं और सबको बोलते हैं मिलके एक साथ इसको डिसलाइक करना शुरू करो। आप यकीन नहीं करेंगे, एक घंटे में ही मेरे 40 से ज्यादा डिसलाइक हो गए। इसका क्या मतलब है, वो जस्ट 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए आते हैं, डिसलाइक करते हैं और चले जाते हैं वीडियो पे से, ताकि वीडियो की रैंकिंग कम हो जाए और ये आम पब्लिक तक ना पहुंच सके। YouTube में इसकी रैंकिंग नीचे होने के बाद जब आप सर्च करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की लेटेस्ट न्यूज तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। मेरी आपसे एक ही विनती है, प्लीज आलोक इंडस्ट्री से दूर रहिए। ये बहुत बड़ा ऑपरेटर गेम है, आप देखिए प्रूफ के साथ में ये क्या कर रहे हैं, कितने हद तक गिर रहे हैं ये लोग। आप इस स्टॉक को प्लीज अवॉइड कीजिए और मेरा एक हेल्प चाहिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये YouTube में रैंकिंग में अप आए और इसकी कहानी सबको पता लगे। प्लीज लाइक इट फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आइए हम जाने आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। आपको शायद पता ही हो, 2 साल पहले आलोक इंडस्ट्री NCLT में चला गया था और उसके चलते हुए जब ये दोबारा लिस्टिंग हुआ, इसकी बहुत तगड़ी से इंक्रीज होने लगा इसके प्राइस में। सेबी को भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है और 2 महीने में ही स्टॉक 1800% कैसे बढ़ सकता है। जी हाँ, वॉपिंग 18,000% इंक्रीज इन 2 मंथ्स। तो हम चलकर इसका जरा एनालिसिस करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या हिस्ट्री है इसके बिहाइंड, कैसे ऑपरेटर गेम खेला जाता है और स्पेशली
कल लास्ट टाइम यानी फ्राइडे को क्या हुआ, हम ये सब रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आप देखिए जो लास्ट हफ्ते की बार है वो कितनी बड़ी बनी है कि उसने पिछले हफ्ते की बॉटम को भी क्रॉस कर दिया है और ऑलमोस्ट जो उससे पिछले हफ्ते का हाफ है उससे भी नीचे आने वाला है। आप ये समझिए जब शेयर ऊपर से नीचे गिरता है और जब वो लोअर सर्किट में रहता है तो उसकी गिरावट ज्यादा होगी। 100 रुपए का शेयर ऊपर बढ़ने के लिए सिर्फ 5 रुपए बढ़ सकता है मैक्सिमम, पर अगर वो उसको गिरना हो तो ज्यादा भी गिर सकता है क्योंकि उसका परसेंटेज 95 से जाने के लिए ऊपर जाने के लिए वो 95 पॉइंट समथिंग जाएगा, पर अगर 100 पे गिरा है तो 95 जाएगा। तो गिरते हुए पैसे की गिरावट ज्यादा होती है स्टॉक में, आपको ये चीज समझनी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ना तो सिर्फ बड़ी कैंडल बनी है बट उसके साथ में वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। आप देखिए, आप जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आप चैनल पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर सीखिए और पैसे भी कमाइए। तो अब इस बड़ी कैंडल का मतलब क्या है? अगर मैं इसको पूरे 4 महीने के कैंडल में देखूं, 3 महीने जब से ट्रेडिंग शुरू हुई है, ये सबसे बड़ी कैंडल बनी है और सबसे बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है, कोई विक्स नहीं है, पूरी की पूरी रेड बॉडी कैंडल बनी है। तो इससे थोड़ा डर लगने वाली बात है यहाँ पे। और यहाँ पे रिटेल निवेशकों को मैंने पिछले 10 दिनों से सावधान किया था कि इसमें लोअर सर्किट आएगा, आप अपने तरीके से निकल जाइए। आपको चाहे मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, पर कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पास कि हम लोग फंस गए हैं, अब हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमें कैसे चाहिए, हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं। फ्राइडे को एक अच्छा दिन था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक छोटा सा लाइक बटन दबाइए, हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता ही होगा 29 फरवरी को रिलायंस ने इसका 37.7% स्टेक अपने पास ले लिया था और उसके बाद इसकी लिस्टिंग दोबारा से हो गई थी। आज का प्रश्न, क्या लोअर सर्किट फिर से लगेगा आलोक इंडस्ट्री में? क्या इसका प्राइस मंडे को यानी आज के दिन 39.35 रहेगा? ये तो टाइम ही बताएगा दोस्तों। हमारे हिसाब से जी हाँ, इसमें लगेगा। अब जरा हम इसकी फर्दर एनालिसिस करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की ऑपरेटिंग गेम समझने के लिए। अब सबसे पहले इस बार को देखिए, इस बार में सबसे बड़ा वॉल्यूम था तब तक का जब से हमारी रेड बार नहीं बनी थी। तो इससे बहुत अच्छा लगा लोगों को कि शेयर ऊपर चढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। ये ऑपरेटरों का माइंडसेट होता है, इसको पब्लिकली न्यूज में बनाते हैं और फिर लोगों को फंसाते हैं वहां पे। उसके बाद में आप अगली बार को देखिएगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। अगली बार को देखें तो यहाँ पे इन्होंने फिर से एक बड़ी कैंडल बनाई पर वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। आप जरा समझिए चीजों को, जो पहली कैंडल थी वो करीब 11 से 13 रुपए के बीच में थी, जो अगली कैंडल है वो करीब करीब 25 से 27 रुपए के बीच में है। तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, वॉल्यूम कम होता गया है और ऐसा नहीं कि आधा वॉल्यूम हुआ है, उससे ज्यादा वॉल्यूम हो गया है कम। तो ये थोड़ा खतरे की घंटी थी, यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था। उसके बाद में आप लास्ट कैंडल देखिए, लास्ट कैंडल कितनी बड़ी रेड बार बनी है, पूरी रेड बार बनी है, कोई विक्स नहीं है और वॉल्यूम सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये सबसे स्केरी पार्ट है इसमें कि वॉल्यूम के साथ बहुत तेजी से गिर रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत होता है किसी भी शेयर का। ये बात नहीं है कि इसमें सब कुछ खराब है। आलोक इंडस्ट्री के पास पीपीई किट बनाने का अप्रूवल आया है जिसके चलते वो उनको अच्छी बेनिफिट होगा। ये तो समय बताएगा कि लोअर सर्किट लगेगा कि नहीं, पर हमारे हिसाब से आज का प्राइस 39.35 पर बंद होगा। अब जरा हम ऑपरेटर गेम को समझते हैं। पहले आप रेड बार को देखिए, रेड सर्कल को देखिए, हायर वॉल्यूम के साथ छोटी विक्स बनाई नीचे, लालच दिलाया रिटेलर को कि आओ आओ, आप यहाँ पे आओ, पैसा बनाओ। फिर उसके बाद में पर्पल बार जो बनी है वहां पे भी फिर से विक्स बनी है। उन्होंने ऑपरेटर ने एक दूसरे के साथ बेचा, पहले सस्ता किया, उसके बाद फिर दिखाया कि हाँ आप खरीद सकते हैं यहाँ पे, फिर खरीदाया लोगों को। उसके बाद में कोई भी बार में वॉल्यूम नहीं है, कोई भी बार में विक्स नहीं है, और जो आखिरी बार बननी शुरू हुई वो एक तेज वॉल्यूम के साथ गिरा दिया उसने। तो जितने रिटेल लोग यहाँ पर रेड में और पर्पल में फंस गए हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कहीं भी निकलने की। हो सकता है उनको, अगर वो मेरे चैनल पे बने हुए हैं, उन्होंने पहले वीडियो देखे हैं, तो फ्राइडे को निकल गए हो। मैं इसकी डिटेल में बताऊंगा कैसे निकल सकते थे इसमें, क्योंकि उसमें एक छोटी सी विक्स बनी है, उसकी डिटेल एनालिसिस हम फर्दर डाउन द लाइन करेंगे। मेरा एक ही प्रश्न जो ट्रोलर थे हमारे कि वेयर डिड द बायर्स गो, अभी तो प्राइस 39.35 हो गया है, बायर्स कहां रह गए सारे? आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात की जाए तो डोमिनेंट है कॉटन पॉलिएस्टर एंड पॉलिएस्टर में, और ये रियलिटी में भी इनका काफी अच्छा महत्व है। मुंबई में 5 प्रॉपर्टीज हैं इनकी जिसके पार्क चल रहे हैं, जिनके थीम पार्क चल रहे हैं। अगर आप आगे देखें कि इस पे क्या ऐसा हुआ कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहा है, हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब हम आकर बात करते हैं, हमने 3 मिनट का चार्ट बनाया है अगले दिन के लिए। आप यहां पे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो चार्ट ब्लू कलर का बना है, इसमें
उन्होंने वॉल्यूम से इंक्रीज किया, तो सुबह के करीब करीब 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक इसमें कुछ नहीं हुआ, फ्लैट रहा, एकदम ऑर्डर नीचे रहा। फिर ऑपरेटर ने फिर से गेम खेलना शुरू किया, वॉल्यूम बढ़ाया थोड़ा सा, बाय करनी शुरू की जितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर में डली हुई थी। उसके बाद में ये बाय ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद में फिर से जो हैवी सेलर्स थे वो आ गए, जो लोग फंस चुके थे खरीदना चाह रहे थे उनको फंसा के उन्होंने फिर से इसको नीचे करा दिया, और आखिर में बंद होते होते वो पूरे बाद के 5 घंटे तक कोई भी वॉल्यूम नहीं था उसमें, और लोअर सर्किट में फंसा रहा, कोई खरीदार नहीं है इस टाइम पे स्टॉक का। आप चीजों को समझिए। अब ये इस सेक्शन को देखिए जहां पर रेड सर्कल बनाया है हमने, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इतना बढ़ने के बाद भी ऑलमोस्ट 45 तक चला गया था, उसके बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि एक बहुत ही वीकनेस का साइन है आलोक इंडस्ट्री शेयर के बारे में। फंडामेंटली अगर आप बात की जाए, टेक्निकल एनालिसिस आप इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 महीने का डाटा अवेलेबल है, और जो वॉल्यूम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये, और इसमें सर्किट पे सर्किट लगा के ऊपर चढ़ा रहे थे इसको, 180% इंक्रीज कराया है, उसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता है। दोस्तों कृपया एक छोटा सा लाइक दबा दीजिए अगर आपको पसंद आई इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया। हमारी सलाह, अभी भी आप मार्केट पर सेल कर सकते हैं इसको, जैसे कि आपको फ्राइडे को अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप हमारे साथ बने हुए तो आपने हो सकता है 42, 43, 44, 45 कहीं पे भी सेल किया हो तो आप प्रॉफिट में रहते अगर आपने सेल कर दिया होता हमारी सलाह के मुताबिक। आलोक इंडस्ट्रीज का हमारा टारगेट प्राइस अभी भी बकाया है 15 रुपए, और ये दोनों एनालिसिस के बेसिस पर, एक तो जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की फंडामेंटल वैल्यू निकाली है वो 15 रुपए के आसपास फेयर वैल्यू आ रही है इसकी मार्केट कैपिटल के हिसाब से, और इसके साथ में हमारी जो दूसरी एनालिसिस जो ऑपरेटर ने जो गेम मेन शुरू किया है उन दोनों का मीन पे, यहाँ पे ऑपरेटर उसको आके स्टेबल होने देंगे, उससे पहले ऑपरेटर नहीं स्टेबल होने देंगे इस मार्केट पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार छोटा सा लाइक बटन जरूर दबाइएगा।